नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से डाइट के यूट्यूब चैनल पे। आज का विषय शिक्षकों के लिए। एक डाइट उमरिया से हम लोगों ने कोशिश की, विद्यालयों में खासतौर से गणित का जो बच्चों पे कठिनाई आ रही है या ज्यादा कठिन लग रहा है, उसको कोशिश की हम लोगों ने कुछ ढूंढने की। तो जो चीजें समझ में आई हैं उससे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से चलेंगे कि कैसे हम शिक्षकों की नासमझी के कारण या हमारी कुछ त्रुटियों के कारण बच्चों को गणित कठिन लगती है, जबकि उसमें दोष गणित का कम है। पहले भी एक दो विषयों को लेके मैंने आपसे इस पे बात की थी कि यदि शिक्षक चाहे तो वो गणित को सरलतम बना सकता है। एक एग्जाम्पल देखिएगा कि 6वीं से लेके 10वीं तक में हम बीजगणितीय समीकरणों की बात शुरू करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, 3x+11=32। हमारे शिक्षक ने बीजगणितीय नियम बता दिए, पक्षांतर बता दिया, इसको हल करने के नियम बता दिए। बच्चा बहुत आसानी से हल करके इसमें से x का मान निकाल लेता है, और इसके सत्य होने की संभावना जो मुझे मिली अपने जिले में और जितने लोगों से अपन ने काम किया, वो लगभग लगभग 85% है। मतलब शिक्षक ने मेहनत की, नियम कायदे कानून सब बता दिए और हल करना प्रारंभ कराया, तो समीकरण को हल करने में, एक्स का मान निकालने में लगभग 85% बच्चे सफल। अब जरा दूसरा प्रश्न पढ़िएगा, जब यही चीजें बीजगणित में भाषाई स्तर पर जाती, भाषा पर आधारित होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें भाषागत हो, भाषा से प्रश्न बनाने हो। जैसे पहला प्रश्न है, इसी संख्या के तिगुने में 11 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को जब हमने उन्हीं बच्चों के साथ डिस्कस किया, हल कराना शुरू किया, तो इतना आश्चर्यजनक परिणाम निकलता है कि इसको हल करने का प्रतिशत मुश्किल से 30 से 35 पर आता था, 85 से 30 से 35 पर। जबकि यदि आपने इस समीकरण को जो मैंने लिखा है और इस प्रश्न को जो मैंने बोला है, एक ही है। कहने का अर्थ यह है कि ये पहला वाला जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसको समीकरण में कन्वर्ट करने पर, बीजगणितीय नियमों को लगाने पर जो समीकरण प्राप्त होगा वो यही होगा। अब जरा चिंतन करिए कि समीकरण को हल करके एक्स का मान निकालने वाले वालों का प्रतिशत है 85, 85, मगर जब इसी प्रश्न को भाषागत आधार पर तोड़ा गया और ये अपेक्षा की गई कि ये समीकरण बन जाए और फिर हल करे, तो उसका प्रतिशत हो जाता है 30 से 35। अब इसमें दोष किसका है? टीचर ने समीकरण पढ़ा रखा है, टीचर ने बीजगणित के सारे रूल्स बता दिए हैं, पर बच्चे की अप्रोच कहाँ दूर है। ये गलती जब हम लोगों ने महसूस की और चिंतन किया, तो ये निकलता है कि हम दो स्तर पर एक गलती करते हैं। भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक हमारा अलग होता है, गणित पढ़ाने वाला शिक्षक हमारा अलग होता है। गणित पढ़ाने वाले शिक्षक को भाषा से लेना देना नहीं है और भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक को गणित से लेना देना है। जबकि जो मैंने इसमें हेडिंग लिखी है उसको जरा ध्यान से देखिए, यदि हम बच्चों को भाषा का गणितीय प्रतिरूपण नहीं सिखाते, तब तक हम इस तरह के अंतर को झेलते रहे। इनमें जो शब्द आते हैं, जैसे तिगुना जोड़ने पर, ये तिगुना ही उस बच्चे को हैरान कर देता है। हम में से ना भाषा वाले ने बताया, ना गणित वाले ने भाषागत उसको लेकर, जब गणित में लेके आया था बीजगणित में, तो उसने बताने की कोशिश की कि 3 तिगुना का मतलब है, ये तिगुना लिखा का मतलब होता है 3 गुना, और 3 गुना का मतलब है जिसकी भी बात हो रही है उसमें गुणे 3। यदि आप संख्या को बनाना सिखा रहे हैं तो 3 गुना कहते, तो फिर वो लिखता कि माना संख्या x है, फिर उसके 3 का गुणे का मतलब होता कि गुणे 3, मतलब x में वो 3 का गुणा करता, तब उसको मिलता 3x। फिर उसमें वो कहा है कि जोड़ने पर, तो 3x में जोड़ना क्या है, फिर क्या मिलता है, क्या जोड़ना है, पहले 11, फिर
प्राप्त क्या होता है 32, तब वो जाके अपने इस समीकरण को बना पाता। और ये मैंने पहले बता दिया था कि समीकरण हल करने वालों की संख्या 85, मतलब यदि बच्चा समीकरण तक बना लेता तो वो जो 35 से 85 के बीच में गैप है 50% बच्चों का, वो केवल और केवल भाषा का गणितीय प्रतिरूपण जब नहीं कर पाते इसलिए उन प्रश्नों का हल नहीं लिख पाते, और जब उत्तर तक नहीं पहुंचते तो बच्चा घबरा जाता है और प्रश्न को छोड़ देता है। इसी तरह जरा दूसरे प्रश्न को देखें कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 इन शब्दों का गणितीय प्रतिरूपण आपको बताना पड़ेगा। चौथाई क्या है? तो हम बहुत पहले छोटी कक्षाओं में तक पढ़ा डालते हैं आधा क्या है, 1/3 क्या है, 2/3 क्या है, 3/4 क्या है, पर भाषा से नहीं पढ़ाते, हमने हमेशा उसको यही लिखा 1/2। तो एक बार उसको रिवर्स करके बताना चाहिए, यदि चौथाई का मतलब है कि जो भी चीज दी गई है उसका 4/4। तो जब वो उस प्रश्न में जाएगा तो मान लिया कि संख्या उसकी x है, तो x का 4/4, तब वो जाके लिखेगा 4/x। आगे की भाषा ये कहती है कि जो ये संख्या का 4/4 हुआ वो 7 से 3 अधिक है, इसमें से, में, के, इन चीजों का गणितीय प्रतिरूपण खास तौर से चिन्हों से, जैसे से गुना है या के गुना है, से कम है, इन चीजों को जब तक गणित से जोड़ के टीचर पहले उसको डिफाइन नहीं करेगा तब तक बच्चे बीज गणितीय समीकरणों में जो भाषा के सवाल होते हैं वो सही सही नहीं पहुंच सकता। तो जब इसमें देखेंगे तो वो क्या कहता है, 7 से 3 अधिक है, वो चीज बड़ी सिंपल सी चीज है पर भाषा में दिया कि मतलब इसका मान होना चाहिए था 7/3, इससे भी अधिक है, तो मतलब 7+3। अब कितना सरल है ये प्रश्न कि आपको सीधे सीधे एक लाइन उसको बढ़ानी पड़ेगी कि x/4 = 10, क्रिया गुणा आपने सिखा रखा है, क्रिया गुणा हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा 40। कहने का अर्थ प्रश्नों पर नहीं है मेरा, मूल उद्देश्य यह है कि जब कभी भी आप इस तरह की चीजें पढ़ाएं भाषागत तो पहले थोड़ी मेहनत करें, जरूरत पड़े तो आप भाषा के शिक्षक का सहयोग ले लें पर उसका गणितीय प्रतिरूपण पहले जरूर पढ़ाएं, तब इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा होगी। 10वीं तक में जाइए तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खासतौर से जब युगपत समीकरण शुरू होता है जिसमें दो चरों के समीकरणों को हल करते हैं और उसमें जो भाषागत सवाल आते हैं वो बच्चों के लिए क्लिष्ट हो जाते हैं, और उसका मूल कारण है कि हम अपने बच्चों के साथ भाषा को गणित के साथ रिलेट करके नहीं पढ़ाते। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे जब आप शिक्षण करेंगे गणित का तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये गणित के टीचर के ऊपर है कि वो गणित को कठिन बना दें या सरल बना दें, तो अपेक्षा है कि आगे थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखें, गणित का शिक्षण करें, शायद हमको उसका लाभ मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।